नमस्कार, मैं एसपीएन न्यूज में संदीप राठौर क्राइम रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। आज 1 अप्रैल है। आज राजकोट में जो सरकार ने निर्णय दिया है कि पहली अप्रैल को जो अनाज किट का वितरण करेंगे। आज आप हम राशन की दुकान में आए, आप देख सकते हो उधर सिर्फ बीपीएल कार्ड वाले हैं उसको ही दे रहे हैं। आज सरकार ने राजकोट और गुजरात के सीएम माननीय श्री विजय भाई रूपाणी ने जो निवेदन दिया था और जो फैसला दिया था, निर्णय दिया था, उसमें कहा गया था कि सभी को मिलेगा ये किट अनाज का। आज किसी को नहीं मिल रहा है, सिर्फ बीपीएल वाले को मिल रहा है। और इधर दुकान वाले सब बोल रहे हैं, राशन की दुकान वाले हैं कि 2013 का जो स्टैंप लगा है उसी को मिलने वाला है। पिछले महीने जो लेके गया है उसको 5 तारीख के बाद मिलेगा। तो आज 5 दिन है, तो 5 दिन तक क्या खाएंगे, क्या करेंगे? आज हम यही सब लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। आज हमारी एसपीएन की टीम इधर पहुंच गई है और सभी से बातचीत करेंगे कि क्या ये सही बात है। ठीक अच्छा बरोबर एवं एम बराबर हाँ भाई एवं माननीय श्री विजय भाई रूपाणी गुजरात के सीएम है, उसने तो कहा है कि सभी को मिलने वाला है। तो तुम्हारे जनरल ऑफिसर ने परमिट हसे ना साहब, तुम्हारे जनरल माजी परमिट आवेली हसे ना? અત્યારે જે રેગ્યુલર કુપનને માલ મળે છે એવા લોકોનો જ માલ મળેલ છે, બીજો મળ્યો નથી। आप लोगों ने देखा है कि इन लोगों को ही मिलने वाला है जो हर महीने लेते हैं, बाकी के सभी लोग हैं उनको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। आज हम सरकार से यही हमारी चैनल के माध्यम से हम बात करना चाहेंगे। आज हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि पब्लिक को कुछ नहीं मिलने वाला है, जो लेने आते हैं हर महीने किसी को ही देने वाले है और किसी को देने वाले नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे एसपीएन न्यूज़ राजकोट। एक मिनट।